मैडम हम बात कर रहे थे दिनेश भाई के पॉलिटिकल सफर की, हम बात कर रहे थे आपको खुद को कितनी उम्मीद है निरहुआ जब सांसद में हैं, जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे समाज का, भोजपुरी सिनेमा का, आपको लगता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी सिनेमा के लिए क्या और कैसे बेहतर कर पाएंगे? आई थिंक मैं फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ। उत्तर प्रदेश के हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उन्होंने वैसे ही फिल्म को सब्सिडीज़ देना शुरू कर दिया है और हमारी अब यही कोशिश है कि हम वहाँ पे भोजपुरी भाषी फिल्मों के लिए एक एक मैंडेटरी शो निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरफ भी बहुत, उस दिशा में भी योगी जी बहुत खुश दिख रहे हैं। उनकी तरफ से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये हो जाएगा कि एक एक शोज़, दो दो शोज़ भोजपुरी फिल्में मैंडेटरी हो जाएगी थिएटर्स में। तो बस मैं इसी चीज़ का वेट कर रही हूँ और जब एक बार उत्तर प्रदेश में हो गया तो उसके बाद बिहार में भी होगा, झारखंड में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा और यू नो पूरे देश में हम हमारी फिल्म देख पाएंगे। निरहुआ भोजपुरी के लिए ज़रूर कुछ करेगा इसका अंदाज़ा मुझे उनके पहले भाषण से लगा जिसमें निरहुआ ने सबसे पहले भोजपुरी की बात की, उन्होंने किसी और की बात नहीं की, सबसे पहले भोजपुरी की बात। बिल्कुल बिल्कुल, और भोजपुरी मातृभाषा है, भोजपुरी के लिए हम जो महसूस करते हैं वो बहुत ही डिफरेंट है बिकॉज हमने सच में जेन्युइनली बचपन से ये भाषा बोली है, सुनी है। और मैं तो मुंबई में मेरा एजुकेशन हुआ तो मुझे इस भाषा की मिठास उतनी ज़्यादा पता नहीं थी, पर 8 साल पहले मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आई और मुझे मेरे दर्शकों ने बताया कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते और मुझे बहुत प्यार दिया निरहुआ हिंदुस्तानी से लेके आज तक। तो इतना प्यार करने वाले मेरे भोजपुरी भाषी लोग हैं और ये सम्मान का वो हकदार हैं और ये सम्मान मिलेगा चाहे 8वीं अनुसूची हो, चाहे हमारी फिल्मों को बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़ा होना हो, या हमारे यहाँ पे जो ये बोला जाता है ना, अरे ये लोग तो ऐसी फिल्में बनाते, वो सब दाग, वो सब लांछन अगर हटाना है तो उसके प्रति दिनेश जी, रवि जी, मनोज जी सब कोशिश कर रहे हैं, हम सब एक्टर्स कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी साथ दे देगी तो हम लोग की कोशिश रंग लाएगी और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। मैडम आपके क्या प्लान्स हैं, क्या आम्रपाली दुबे की भी पॉलिटिक्स को लेकर कोई प्लान्स हैं आने वाले समय में, क्या हम उसी पार्लियामेंट में आम्रपाली दुबे को भी कुर्ते पे देख पाएंगे? भाग गए सॉरी। मेरा सवाल यह है कि निरहुआ के बाद क्या आम्रपाली दुबे को भी हम कभी राजनीति में देख पाएंगे, क्या निरहुआ के बाद आम्रपाली दुबे भी चुनाव लड़ेंगी? ऑनेस्टली मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मुझे एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है, ये मेरा फेवरेट जॉब ऑप्शन है, मेरा ये फेवरेट जॉब प्रोफाइल है कि मैं एक आर्टिस्ट रहूँ, मैं अच्छे अच्छे किरदार निभाऊँ, मैं अपने ऑडियंस को एंटरटेन करूँ, तो मैं यही करना चाहती हूँ। लेकिन अगर कभी जी मैं ये कह रही थी कि मुझे ना एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे अच्छी अच्छी फिल्में करने में, अच्छे अच्छे किरदार निभाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, हर नेक्स्ट फिल्म में मैं एक अलग इंसान होती हूँ, सो दैट इज़ समथिंग दैट माई पैशन इज़, आई लव इट। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक ऑडियंस को एंटरटेन करती रहूँ और अच्छे अच्छे रोल्स करती रहूँ, लेकिन यू नेवर नो भगवान ने क्या लिखा हुआ है, जो हरी की मर्जी वही सही, और क्या बोल सकती हूँ मैं। अगर उन्होंने कभी मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली तो मेरे ऊपर बचपन से आज तक जो भी जिम्मेदारी पड़ी है मैंने बहुत अच्छे से निभाई है, अगर ये भी जिम्मेदारी पड़ी तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी, बहुत मेहनती लड़की हूँ, मैं अपनी मेहनत करूंगी, बाकी भगवान मालिक। वो मेहनत हमने आजमगढ़ में भी देखी जब निरहुआ को जिताने के लिए आम्रपाली दुबे कंधे से कंधा लगा के खड़ी हो गई, उन्होंने दिन रात कैंपेनिंग की, बहुत ज़बरदस्त मेहनत की, दिन रात सुबह शाम वक्त नहीं देखा और लगातार वो लगी रहीं। जब आम्रपाली की अपनी बारी होगी तो मुझे लगता है पूरी फिल्म इंडस्ट्री, दिनेश लाल यादव, निरहुआ खुद खड़े होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग खींच के लेके जाऊँगी सब लोगों को, चलो तुम लोग, मैं तुम लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, तुम लोग भी आओ मेरे साथ। नहीं बट जेन्युइनली एवरीबॉडी लव्स मी सो मच, अगर कभी ऐसा हुआ तो हर कोई मेरे लिए खड़ा रहेगा, मैं आज भी मेरे सुख दुख में हर कोई खड़ा रहता है। आपको बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज सुनने मिलेगी, इसका इसके साथ झगड़ा, उसका उसके साथ, ये सब बहुत 3-5 चलता रहता है, मेरे साथ हर कोई हमेशा अच्छे से रहता है बिकॉज मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ। आई नेवर फील, मैं कभी ये नहीं चाहती कि इसका कुछ कम हो जाए तो मेरा बेटर होगा या इसका कुछ घट जाए तो मेरा अच्छा होगा, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं जेन्युइनली आउट ऑफ लव आई लव पीपल ऑफ माई इंडस्ट्री, तो वो लोग सब मुझसे भी यू नो वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, मुझे उतना ही प्यार देते हैं, तो मेरे हर सुख दुख में वो लोग हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। बट आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स के लिए सबसे फिट जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ के बाद कौन है अपनी इंडस्ट्री से, जिसको जिसमें आपको भविष्य का MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नजर आता है? आई थिंक पाखी जी।
पाकी हेगड़े जी बिकॉज शी इज़ पॉलिटिकली वेरी एक्टिव, शी इज़ अ वेरी सोशली एक्टिव पर्सन. वो हमेशा आप कभी भी देखेंगे कहीं बाढ़ हो कहीं कुछ हो. खेसारी जी ऑल्सो मैं एक्ट्रेसेस में बोल रही थी क्योंकि एक्ट्रेस नहीं है, तीन एक्टर तो जा चुके हैं. खेसारी जी ऑल्सो इज़ वेरी एक्टिव ऐसी सब चीज़ों में. बट मुझे लगता है कि पाखी जी जल्दी अपना रुख करेंगी पॉलिटिक्स की तरफ. उनका ऐसे मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे उधर सरक रही हैं. आपने दूसरा नाम खेसारी लाल यादव का भी लिया, आपको क्यों लगता है कि आपको उसमें भविष्य का एमपी खेसारी लाल यादव में नजर आता है? दैट्स बिकॉज मैं उनको हमेशा देखती हूँ ना, कभी बिहार में बाढ़ आ जाए, कभी ठंड की तकलीफ हो, कुछ हो जाए, तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डोनेट करते रहते हैं. और यू नो उनकी ये सब हरकतों से पता चलता है कि उनको समाज सेवा में सुख मिलता है. तो जिसको समाज सेवा में सुख मिलेगा वही समाज सेवी बन सकता है. ये आपने सही बात की. मैं एक बार फिर से फिल्म के विषय पे लौटना चाहता हूँ मैडम. आम्रपाली दुबे की अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में ऑडियंस बहुत ज़्यादा जानना चाहती है, क्यूरियोसिटी उनकी लगातार है, आप उन्हें बता दीजिए. सबसे पहले तो अभी 2 सितंबर को आप लोगों के बीच आ रही है डोली सजा के रखना. मुझे पता है कि इसी क्रम में आप लोग प्यार देना शुरू करेंगे और उसके बाद मेरी फिल्म माई आएगी आप सबके बीच में. दिनेश जी की और मेरी फिल्म माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी, वो है मेरी नेक्स्ट फिल्म. उसके बाद मेरी फिल्म दाग एगो लांछन आएगी आप लोगों के बीच. उसके बाद मेरी फिल्म विद्या आएगी आप लोगों के बीच. और अभी बाय गॉड्स ग्रेस मुझे बहुत ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं यू नो फीमेल ओरिएंटेड फिल्में स्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा कर रही हूँ. तो ऐसी बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स हैं अभी जिसके ऊपर बात चल रही है. इफ़ आई वॉन्ट टू डू अ फीमेल ओरिएंटेड आई वुड ऑलवेज फोकस ऑन डूइंग फिल्म्स लाइक अनुष्का शेट्टीज. तो वैसी फिल्मों की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, प्लानिंग चल रही है. तो सब आप ही लोग के बीच आएगी, बस अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए.